हाय गाइस, दिस इज फैज अगेन एंड आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉडी टैग और बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैंने वही HTML बेसिक कोडिंग ओपन कर रखी है, HTML लिखा है, HTML क्लोज करा है, हेड ओपन करा है, हेड ओपन क्लोज करा है, फिर हेड के अंदर हमने टाइटल दिया है Lesson-2, जैसे कि हमारा Lesson-2 है, और टाइटल क्लोज करा है। फिर वही बॉडी ओपन करी है, फिर बॉडी क्लोज करी है। अब बॉडी के एट्रीब्यूट्स बताने वाला हूँ, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे H1 में डाल देता हूँ कि लेसन टू। ऑलराइट, H1 बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉडी के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट। अब ये टैक्स क्या रोल प्ले करता है? जैसे आपने टैक्स करा, टैक्स किस कलर में आएगा, टैक्स लिखा तो टैक्स किस कलर में आएगा उस चीज के लिए। अब हम इसे सेव करते हैं, सेव एज Lesson2L2। अब वही बताना है मैंने, .html जो हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ता है, .html, और यहाँ पे सेव कर देंगे। अब कहाँ पर सेव करा है, अगेन वाला फोल्डर देखते हैं, ये आ गया Lesson2, है ना। ये आ गया, अब ओपन करते हैं, देखिए रेड कलर में आ गया ना Lesson2। और देखिए टैग टाइटल में हमने जो डाला था वो आ रहा है Lesson2। ठीक है, अब देखिए आप टैग्स लिया हमने सबसे पहले ना रेड। अब इसे आप ग्रीन करके देखिए, जाए देखिए होता ही नहीं होता। Ctrl+S सेव करा, उस पे गए और रिफ्रेश कर दिया F5 से, डील हो गया। देखिए अब जितना भी आप मतलब बॉडी में आगे करेंगे सीधे काम, वहां पर सारा क्या होगा, टेक्स्ट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो रही एक बात, ये एट्रीब्यूट होते हैं जो भी टैग के अंदर उसके आगे के जो फंक्शनैलिटी होती है, जो पूरी जिससे हम उसमें वेरिएशंस लाते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये बॉडी का एट्रीब्यूट है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीन होता है हमारा। नेक्स्ट करते हैं BG कलर। बीजी कलर होता है, इसका मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने देना है ब्लू। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये बात है कि हम जो भी लिखेंगे एट्रीब्यूट इक्वल्स टू लेके डबल कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर दोबारा इक्वल्स टू डबल कॉमा, फिर इसके अंदर लिखना है। ये आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये मस्ट है। Ctrl+S, फिर गए Alt+Tab दबा के शिफ्ट हो गए क्रोम के अंदर, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो, अनदर आप F5 से रिफ्रेश करते हो। देखिए आप, ब्लू हो गया बैकग्राउंड, पूरा ब्लू हो गया, और हमारा ये टेक्स्ट अभी भी ग्रीन ही है क्योंकि हमने टेक्स्ट ग्रीन दे रखा है। ठीक है, ब्लू की जगह मान लीजिए मैंने कर दिया येलो। ठीक है, येलो हो गया। ठीक है, ये आप बॉडी का एट्रीब्यूट है सेकेंड, बैकग्राउंड कलर। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे आते हैं, BACKGROUND। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का इन द सेंस क्या होता है, बैकग्राउंड मतलब जो भी आपको बैकग्राउंड में इमेज देनी है। अब आपने कलर दे रखा है ना, कलर तो हटा दीजिए अब यहाँ से। ठीक है, लगे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इमेज डालनी है। अब बैकग्राउंड में मुझे कोई इमेज डालनी है, मान लीजिए जैसे कि मुझे ये इमेज डालनी है, मैंने रख रखा है यहाँ पर, मुझे इसकी इमेज डालनी है, हैप्पी बर्थडे किसी को करना है, ये इमेज डालनी है। तो डाले कैसे, बैकग्राउंड में कैसे डाले? तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले जो हमारा फोल्डर है उसको हम ओपन करेंगे, उसमें एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, और आप IMG के नाम से रख सकते हैं, इमेज रख लीजिए, जो मर्जी रख लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप क्या। ठीक है, मैंने IMG और इन शॉर्ट और कैपिटल में लिखा है क्योंकि हमारा जल्दी एग्जीक्यूट करेगा, जितने वर्ड्स और जितने लेंथ रखेंगे उतना टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो मिली सेकेंड्स में होता है, हालांकि दिखती नहीं है वो, लेकिन अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, और ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये एकदम अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है HTML करने का। अदरवाइज तो मैंने देखा है काफी यहाँ पर यूट्यूब पे भी, और पता नहीं कहाँ से कैसे क्या क्या डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्जन के साथ चलिएगा। अब इमेज हमने वो फोल्डर बना दिया है। ठीक है, अब वही जो इमेज हमें डालनी है ना, उसे आप उस फोल्डर में डाल दीजिए। ठीक है, डाल दी। सबसे पहली बात, अब इसका आप एक्सटेंशन देख लीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन है इसका JPG।
ठीक है, डॉट जेपीजी, तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने तो डाल दी राइट, अब देखते हैं बैकग्राउंड। इसमें हमारे पास IMG, क्योंकि मैंने जो फोल्डर बनाया था ये फोल्डर का नाम आ गया पूरा। ठीक है, मैंने फोल्डर का नाम बताया था ना, IMG से डाला था मैंने, और फिर स्लैश, उसके अंदर कौन सी इमेज है, 01, 01 से नाम से ही है, देख लेते हैं एक बार, 01 से ही है ना, 01 से ही है। ठीक है, 01 के बाद फिर हमने उसका एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है JPG, ये मस्ट है। अगर एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि 01 की, 01 है दूसरी टाइप की इमेज हो सकती है आपके फोल्डर में, जैसे मान लीजिए बहुत सारी इमेजेस हैं और 01 किसी और पे भी है, वो PNG टाइप है या JIF टाइप है, लाइक है ना, JPEG टाइप है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप एक्सटेंशन प्रोवाइड करें वो बेटर रहेगा, और एक्सटेंशन प्रोवाइड करेंगे तो जल्दी से एग्जीक्यूशन होगी। कभी आपने देखा होगा वेबसाइट्स में कि इमेज धीरे धीरे लोड हो रही है, तो वो इसी की वजह होती है कि आप वो एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करते, तो वो एकदम अपने आप ही वो रिलोड एनकोड करता है ब्राउजर। ठीक है, अब सेव करेंगे और जाएंगे देखते हैं इमेज आई नहीं आई, रिफ्रेश करके, ओ माय गॉड आ गई, आ गई ना। अब इसने पूरी स्क्रीन पे ले लिया, यानी कि जो हमारी इमेज थी वो इतनी थी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक यहाँ से। अब इसने सोचा कि भाई यहाँ पर जगह खाली, एक और लगा दी, फिर यहाँ पर जगह खाली, एक और लगा दी। ठीक है, इसने लग दी, देखो कितनी प्यारी लग रही है, केक खाने का मन कर रहा है, ओ ये। ठीक है, तो बैकग्राउंड में आ गई। अब चाहे आप दूसरी इमेज डालना चाहें तो दूसरी इमेज डाल सकते हैं, जैसे कि पूरी उसके साइज पे डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है, या अगर वो आपने उस साइज के लिए डेस्कटॉप के साइज की, वो डेस्कटॉप के साइज की आ जाएगी। ठीक है गाइस, ये तो हो गया बैकग्राउंड में इमेज डालना। अब आप जैसी इमेज डालेंगे वैसे आ जाएगा वहां पर, राइट। अब बताते हैं आपको आज का जो अननोन एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का, जो बहुत ही लोगों को बहुत ही कम पता होता है, और पता भी होता है तो उसे यूज नहीं करना आता। ठीक है, अभी इसे हम हटा देते हैं, बैकग्राउंड को लगा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, सबसे पहले बात होती है ए लिंक। ए लिंक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक। अब जो एक्टिव लिंक होगा वो आपको किस कलर का दिखाई देगा, मीन जैसे मैंने चाहता हूँ जब मैं एक्टिव करूंगा लिंक को वो रेड कलर का दिखाई दे, ठीक है, सॉरी रेड कलर का दिखाई दे, राइट। अब यहाँ पे लिंक है नहीं कहीं, अब मैं यहाँ पर हाइपर रेफरेंस लिंक लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे लिंक सेव कर दिए हैं, ठीक है, और ये मैंने एंकर टैग लगाया, ये मैं बताऊंगा आपको आगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में, लेकिन आपको पहले जो समझना है वो समझे, एट्रीब्यूट हम समझ रहे हैं अभी बॉडी के। तो बॉडी में पहले मैंने लिंक लगाया है ए लिंक, ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक, और जो एक्टिव करूंगा वो रेड कलर का दिखाई देगा, ठीक है, जो एक्टिव करूंगा। देखते हैं आउटपुट में, ठीक है, पहले रिफ्रेश करेंगे, देखिए इमेज चलेगी, मैंने हटा दी थी। ठीक है, अब ये दो लिंक दे रखे हैं मैंने, Lesson-1 और टेक्निकल वीडियोस, जो कि मेरे चैनल पे हैं। अब देखिए जैसे मैं इसे एक्टिव करूंगा ना, तो ये रेड कलर का दिखेगा, बहुत ऑब्जर्व करिएगा, ये देखिए मैंने माउस क्लिक कर रखा है इस समय, तो रेड कलर का हो गया, क्लिक कर दूंगा वहां पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ऐसे चला जाता है ये। तो ये एक्टिव लिंक का मतलब यही होता है कि आ अगर क्लिक करें तो आ जाए, जैसे आप इस पर भी करूंगा तो देखिए रेड कलर का हो जाएगा, हो गया। तो ये एक्टिव लिंक क्या होता है, और ये मेरी पहली वीडियो है Lesson-1 HTML की वीडियो थी। चलो ठीक है, अब ये तो एक्टिव लिंक की रही बात, अब आता है वी लिंक। वी लिंक का मतलब क्या होता है, विजिटेड लिंक, जो कि विजिट हो चुका है, उसे मैं चाहता हूँ वो ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है ना, उसे मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर का हो जाए। अब मैंने सेव करा, ऑल्ट प्लस टैब, रिफ्रेश करा यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए मैं इन दोनों को विजिट कर चुका हूँ, देखो ग्रीन हो चुके हैं, विजिट कर चुका हूँ ना, अगर अभी ग्रीन कलर के आ चुके हैं, क्यों, क्योंकि मैंने विजिट कर चुका हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा खोल रहा हूँ। तो अब देखिए मैं एक्टिव कर रहा हूँ, यानी कि क्लिक कर रहा हूँ इस पे, एक्टिव मतलब क्लिक करके आप उस पे जाना चाहते हैं, तो देखिए रेड कलर का हो गया, ठीक है, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया आपको। ये थी अननोन फैक्ट्स जो कि HTML में लोगों को और स्टूडेंट्स को पता नहीं होते, कि एक्टिव लिंक में क्या फर्क है, वी लिंक में क्या फर्क है, और एक्टिव लिंक, ए लिंक, वी लिंक क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैंने आज आपको ये बॉडीज के एट्रीब्यूट बताए ही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे चीज बताऊंगा, मैं बॉडी का मैंने पूरा क्लियर करा है यहाँ पर इस वीडियो में, ठीक है, और आपको 1% भी
1% में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में अपना फोन नंबर दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या क्वेरी है आपकी। मैं आपको बिल्कुल कॉल करके उसकी सॉल्व सॉल्यूशन आपको दूंगा बाय वीडियो और बाय टॉक, राइट। और दूसरी बात, अगर आपको कभी भी इस मेरी वीडियो से लगता है कि 1% भी आपको एनलाइटन हुआ है, आपके माइंड में आपके नॉलेज में कुछ गेन हुआ है, तो प्लीज लाइक करना तो बोलते ही नहीं आप लोग, मुझे पता है, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्राउड टू बी इंडियन।